Good morning, friends. We will revise bank reconciliation chapter today. Bank reconciliation का मतलब आप अपनी cash book में bank column बनाते हो या अगर आप cash book में bank column नहीं बना रहे होंगे तो ledger में bank account बनाते हो तो cash book का bank column भी bank account है ledger में बनाया होगा तो ही bank account है तो जैसे आपकी books में bank account है वैसी bank की books में आपका account होता है जिसकी copy bank आपको पासबुक या बैंक स्टेटमेंट के नाम से देता है अब आपकी बुक्स में जब आप बैंक को डेबिट करते हो क्योंकि आप क्या बोलोगे कि आपने बैंक को कुछ दिया है ना ये एक तरफ है बैंक इस तरफ है आप यानी एंटिटी आपने बैंक को कुछ दिया तो आप बोलोगे बैंक रिसीवर है आप बैंक को डेबिट करो तो बैंक के एंगल से सोचिए बैंक बोलेगा आप गिवर हो तो बैंक आपके अकाउंट को क्या करेगा सिमिलरली जब आप बैंक से विड्रॉ करते हो बैंक में से पेमेंट होता है ये एरो बन गया अब आप बोलोगे बैंक गिवर है इससे आप बैंक अकाउंट को करोगे क्रेडिट तो उसी समय बैंक आपके अकाउंट को करेगा डेबिट इसका मतलब आपकी बुक्स में जब आप डेबिट करते हो तो बैंक अपनी बुक्स में आपको क्रेडिट करता है सिमिलरली आप बैंक को जब क्रेडिट करते हो तो बैंक आपको डेबिट करता है इसलिए किसी भी समय अगर हम बैलेंस देखें तो सपोज हम ये डेट का बैलेंस देख रहे हैं तो बैलेंस एज पर कैश बुक एंड बैलेंस एज पर पास बुक शुड बी इक्वल थ्योरेटिकली शुड बी इक्वल बट इट शुड शो अपोजिट बैलेंस हमारी बुक्स में अगर डेबिट बैलेंस है तो बैंक की बुक्स में क्रेडिट हमारी बुक्स में अगर क्रेडिट बैलेंस है तो बैंक की बुक्स में डेबिट ये होना चाहिए बट प्रैक्टिकली जब आप किसी भी डेट का बैलेंस देखोगे तो इट मे नॉट बी सेम देयरफॉर इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न ये चिंता की बात है कि भाई हमारा बैलेंस अलग और पासबुक का बैलेंस अलग जबकि रहना चाहिए बराबर तो हम इन दोनों बैलेंसेस को आपस में मिलाते हैं टैली करते हैं उसी को बोलते हैं रिकनसाइल करना तो कैश बुक के बैलेंस से पासबुक को मिलाओ या पासबुक से शुरू करके कैश बुक तक पहुंचो उसको एक स्टेटमेंट के फॉर्म में अपन बना लेते हैं जिसको अपन बोलते हैं बैंक रिकनसिलेशन स्टेटमेंट ठीक है अब आगे देखते हैं देखिए जस्ट गो थ्रू इट To find out the causes of difference, we prepare a bank reconciliation statement. दोनों को मिलाने के लिए दोनों को टैली करने के लिए दोनों के बीच में differences के क्या क्या कारण हैं, उसको identify करने के लिए अपन bank reconciliation statement बनाते हैं The items which comes in reconciliation statement can be grouped in following category, following four category. But पहले simple way में आप बोलें तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्यों आएगा क्योंकि कोई आइटम अगर कैश बुक में है पर पासबुक में पासबुक में है पर कैश बुक में नहीं है इसलिए डिफरेंस है बराबर इसका मतलब रिकन्सिलेशन में कौन से आइटम आते हैं जो दोनों जगह अलग अलग है एक जगह है तो दूसरी जगह इसका मतलब जो आइटम आपकी कैश बुक में और पासबुक में दोनों जगह बराबर आ चुके हैं कट ऑफ डेट तक कट ऑफ डेट यानी जिस डेट का आप बैंक रिकन्सिलेशन बना रहे हो तो वो डेट तक जो आइटम कैश बुक और पासबुक दोनों में आ गए हैं वो दोनों के बैलेंस में डिफरेंस क्रिएट नहीं करेंगे और इसीलिए वो रिकन्सिलेशन के काम के नहीं है बराबर वो रिकन्सिलेशन के काम के नहीं है तो फिर रिकन्सिलेशन में कौन से आइटम आएंगे जो डिफरेंस क्रिएट करते हैं डिफरेंस कौन से क्रिएट करेंगे जो एक बुक्स में है बट दूसरी बुक्स में नहीं है तो उन्हीं को अपन ने यहाँ पे चार कैटेगरी में क्लासिफाई किया है मतलब हर आइटम को आप इस चार कैटेगरी में ग्रुप कर सकते हो नंबर वन आइटम्स रिकॉर्डेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन अवर बुक्स तो बैंक ने रिकॉर्ड कर लिया है क्योंकि कुछ आइटम ऐसे होते हैं
जो बैंक की तरफ से इनिशिएट होते हैं, बैंक की तरफ से शुरू होते हैं। तो कुछ आइटम जो होते हैं वो बैंक की तरफ से शुरुआत होती है, इनिशिएट होते हैं, जैसे कि बैंक चार्जेस, बैंक कैलकुलेट करता है, चार्ज करता है, इंटरेस्ट बैंक आपको क्रेडिट करता है, और कोई चीज अगर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे के रखे हैं तो उसका पेमेंट बैंक कर देता है। ठीक है, कोई डायरेक्टली जैसे आपने अपने सिक्योरिटीज के इंटरेस्ट वगैरह कलेक्ट करने का बैंक को ये दे दिया है, मैंडेट दे दिया है, तो वो इंटरेस्ट भी बैंक कलेक्ट कर लेता है डायरेक्टली। तो ऐसे आइटम को क्या होगा, पहले बैंक रिकॉर्ड करेगा, फिर हमको जब इंटीमेशन मिलेंगी तब हम रिकॉर्ड करेंगे। सो देयर इज ऑलवेज अ टाइम गैप। ये पहली कैटेगरी हो गई कि जिनको बैंक ने रिकॉर्ड कर लिया, मतलब पासबुक में आ चुके हैं पर हमारी बुक्स में नहीं आए हैं, ये दे दिया उसमें। ठीक है, एग्जाम्पल्स, रिकॉर्डेड बाय अस बट नॉट रिकॉर्डेड बाय बैंक, हमने उनको रिकॉर्ड किया है, ये ऐसे आइटम है जिनकी शुरुआत हमारी तरफ से होती है। जैसे कि किसी को पेमेंट करना है तो चेक हम इश्यू करते हैं, और हम जैसे ही चेक इश्यू करते हैं एंट्री पास कर लेते हैं, यानी हमने रिकॉर्ड कर लिया। पर बैंक में कब आएगा, तो हम तो अपनी पार्टी को देंगे, अपने सप्लायर को देंगे चेक, अपना पार्टी जो है वो अपने बैंक में जमा करेगा, उसके बैंक से क्लियरिंग के सिस्टम के थ्रू जब हमारे बैंक में चेक आएगा तब हमारा बैंक उसकी एंट्री पास करेगा। तो अगेन देयर इज अ टाइम गैप। सिमिलरली चेक डिपॉजिट, हमको कस्टमर से चेक मिला कि हम तो इमीडिएटली एंट्री पास कर देते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, पर इसके बाद में पेइंग स्लिप भर के बैंक में जमा करते हैं, और बैंक उसको क्लियरिंग के सिस्टम के थ्रू जब रियलाइज करता है तब उसकी एंट्री पास करता है। तो ऐसे कुछ आइटम होंगे जिनकी शुरुआत हमारी तरफ से होती है, तो हमने रिकॉर्ड कर लिया है पर बैंक ने अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया। ये देखिए उसके एग्जांपल्स, एरर्स कमिटेड इन अवर बुक, गलती हो सकती है, यार ऑल ह्यूमन बीइंग, गलती कहीं पर भी हो सकती है, किसी भी टाइप की गलती हो, तो इसका मतलब हमारी बुक्स में तो एरर है, नेचुरल सेम एरर पासबुक में तो नहीं है, इसका मतलब दोनों के बीच में ये एरर डिफरेंस क्रिएट करेगी, तो कोई भी टाइप की एरर हो सकती है। ठीक है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर आपने पढ़ी, एरर कमिटेड बाय बैंक, बैंक में भी हम जैसे लोग हैं काम करते हैं, उनसे भी गलती हो सकती है, तो इसका मतलब पासबुक में कोई एरर हो गई है, तो सेम एरर हमारी कैशबुक में नहीं है, इसलिए इसकी वजह से भी हमारा बैलेंस और पासबुक का बैलेंस डिफर करेगा। तो हम बोल सकते हैं कि ब्रॉडली ये चार ग्रुप में हम सब आइटम को कवर कर सकते हैं, बराबर, इन चार के सिवा कोई पांचवा कैटेगरी ऑफ आइटम नहीं होगा। अब इनकी वजह से डिफरेंस आ रहा है तो आप इन आइटम्स को रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में प्रॉपर ट्रीटमेंट दो, जिससे कि आपके दोनों बैलेंस आपस में टैली हो जाएं। तो कैसा ट्रीटमेंट देना वो हम आपको फिर बताते हैं। आप अपना बैंक रिकंसिलिएशन का पहले मीनिंग या टारगेट ध्यान कराइए। बैंक रिकंसिलिएशन में आप कैशबुक और पासबुक के बैलेंस को टैली कर रहे हैं, टैली क्यों नहीं हो रहे, तो इन चार टाइप के आइटम्स की वजह से। और ये चार टाइप के आइटम अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो ये एक जगह है पर दूसरी जगह नहीं है, दूसरी जगह रिकॉर्ड नहीं हुए हैं। जैसे ये आइटम वन पासबुक में तो है पर कैशबुक में नहीं है, या ये एरर हम बोलेंगे ये एरर पासबुक में तो है फोर्थ नंबर वाला जो आइटम पर कैशबुक में नहीं है। ठीक है, या सेकेंड नंबर वाले आइटम को हम बोलेंगे कि ये कैशबुक में तो है पर पासबुक में नहीं है, या ये थर्ड वाला जो एरर है ये कैशबुक में तो है पर पासबुक में नहीं है, तो इनकी वजह से डिफरेंस आ रहा है। तो आप रिकंसिलिएशन में कैसा इफेक्ट दें, कैसा ट्रीटमेंट दें, बहुत सिंपल है, दो रास्ते हैं आपके पास, या तो आइटम दोनों जगह आ गया ऐसा सोच करके लिखिए, तो जो आइटम पासबुक में आ चुका है आप ऐसा सोचिए कि जैसे आप कैशबुक में रिकॉर्ड कर रहे हैं और लिख दीजिए रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, जो आइटम कैशबुक में आ चुका है तो आप ऐसा सोचिए कि अब आप पासबुक में रिकॉर्ड कर रहे हैं और लिख दीजिए, ये एक तरीका। दूसरा तरीका यह है कि वो आइटम एक जगह नहीं है
तो दूसरी जगह से भी उसको हम हटा देना चाहते हैं, यानी नलीफाई कर देना चाहते हैं, नील करना चाहते हैं। तो इसका मतलब जहां रिकॉर्ड हुआ है वहां रिवर्स कर रहा है ऐसा सोच लीजिए, तो भी क्या होगा, दोनों जगह से हट गया तो भी वो रिकंसिलेशन को टैली कर देगा। तो इसका मतलब या तो आइटम दोनों जगह आ गया ऐसा सोच के लिखिए, या दोनों जगह से हट गया ऐसा सोच के लिखिए, टैली कर देगा आपके रिकंसिलेशन स्टेटमेंट को। अब कुछ और पॉइंट उसी से रिलेटेड आपके आइडिया को और क्लैरिफाई करने के लिए, इज इट नेसेसरी दैट कैश बुक एंड पासबुक बैलेंस विल ऑलवेज डिफर, कोई जरूरी नहीं है लेकिन जनरली डिफर करते हुए दिखेंगे, कोई इंसिडेंस हो सकता है, बाय चांस हो सकता है कि कभी दोनों बैलेंस बराबर एग्रीड भी हों। वेन टू प्रिपेयर बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, एनी टाइम जब आप चाहते हो कि आप अपने कैश बुक और पासबुक के बैलेंस को टैली करना चाहते हैं, जब आप तो कोई मनाही नहीं। जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होंगे जिनके बैंकिंग ट्रांजेक्शन बहुत वॉल्यूमिनस होंगे, बहुत वैल्यू के होंगे, नेचुरल डे में भी डूइंग रिकंसिलेशन ऑन ए डेली बेसिस, थोड़ा छोटा ऑर्गेनाइजेशन होगा मंथली, एंड ऑफ द ईयर इज मस्ट, ठीक है। तो एंड ऑफ द ईयर में जरूर करिए, सो दैट क्योंकि आपको इस ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है, तो जब आप बैंक रिकंसिलेशन करेंगे उसमें आपकी तरफ से क्या गलती हुई वो भी पकड़ में आ जाएंगे, आपकी तरफ से कौन से आइटम पेंडिंग है वो भी पकड़ में आ जाएंगे। तो उनको फिर आप अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लीजिए, रेक्टिफाई कर लीजिए, सो दैट आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉपर बनेंगे, कंप्लीट बनेंगे। सो एंड ऑफ द ईयर इट इज मस्ट, इन बिटवीन जब आपकी जरूरत है आप बैंक रिकंसिलिएशन बना सकते हो। नेचर ऑफ बैलेंसेस इन द कैश बुक एंड पासबुक, तो कैश बुक और पासबुक में भी बैलेंस होता है तो उसको हम यहां इंडिकेट कर सकते हैं कैश बुक में, पासबुक में, ठीक है। अब देखिए एक होता है डिपॉजिट बैलेंस, मतलब ये हुआ कि बैंक में हमारा पैसा डिपॉजिट है। अब इसको वर्डिंग क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से लिखी रह सकती है, वो बोलेगा कैश विद बैंक, बैलेंस विद बैंक, डिपॉजिट विद बैंक, तो ये वर्डिंग क्या इंडिकेट कर रही है, हमारा पैसा बैंक में है। अब इसको फिर से सोच के देखिए, हमारा पैसा बैंक में है मतलब हमारा एसेट है, एंड ऑल एसेट्स हैव डेबिट बैलेंस, इसका मतलब ये हमारी कैश बुक में कौन सा बैलेंस बताएगा, डेबिट बैलेंस। अब जरा इसको बैंक के एंगल से सोचिए कि हमारा पैसा बैंक में डिपॉजिट है, दैट मीन्स बैंक इज लायबल टू पे, तो बैंक के लिए ये लायबिलिटी है यानी क्रेडिट बैलेंस है ना। देन हमारे बैंक से हम कभी एक्सेस पैसा भी निकालते हैं जिसको बोलते हैं ओवर ड्रॉफ्ट, तो ओडी बैलेंस अगर है यानी हमने बैंक से लोन लिया है, बराबर हमने बैंक से क्या किया हुआ है, लोन लिया हुआ है ना? अब हमारे लिए ओवर ड्राफ्ट या लोन लायबिलिटी है, तो इसका मतलब हमारी बुक्स में यानी कैश बुक में कौन सा बैलेंस रहेगा, क्रेडिट बैलेंस। अब बैंक ने हमको लोन दिया है, दैट मीन बैंक हैज अ राइट टू रिकवर, तो बैंक के लिए एसेट है, बैंक के लिए डेबिट बैलेंस रहेगा। ऐसे समझ के आप हर चीज को पढ़ाई करिए, तो देखिए आपका सब्जेक्ट पे ग्रीप आते जाएगा, हर चीज समझने लगोगे, तो बाद में आपको अकाउंट्स पढ़ने में बहुत ज्यादा मेहनत की कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये उसी चीज को एलिब्रेट कर दिया कि डिपॉजिट बैलेंस, ये बैलेंस विद बैंक, कैश विद बैंक, ऐसी वर्डिंग क्या इंडिकेट करती है, हमारे लिए एसेट डेबिट बैलेंस, ठीक है, ये बैंक के लिए लायबिलिटी है यानी क्रेडिट बैलेंस। ओवर ड्राफ्ट बोला, एक्सेस टेकन फ्रॉम बैंक बोला, तो हमारे लिए लायबिलिटी यानी क्रेडिट बैलेंस, बैंक के लिए एसेट यानी डेबिट बैलेंस। इज द बैंक रिकंसिलिएशन प्रिपरेशन एंड एंड इन इटसेल्फ, जूनियर लेवल में कई बार या कॉमर्स की पढ़ाई में कई बार लोग समझते हैं बस बैंक रिकंसिलिएशन बना लिया तो सब कुछ हो गया, इसीलिए बस उसको एड लेस करके पढ़ते हैं कि फलाने आइटम्स को ऐड करो फलाने को लेस करो, ये कोई अकाउंटेंसी पढ़ने का तरीका नहीं होता। जो भी चीज आप पढ़ाई करिए उसका अल्टीमेट पर्पज या एम पे ध्यान दीजिए। तो बैंक रिकंसिलिएशन अल्टीमेट हमारा बीएड नहीं हुआ, बैंक रिकंसिलिएशन बनाने से सबसे पहले हमें आइडिया जाती है कि हमारे बैलेंस में और पासबुक के बैलेंस में डिफरेंस क्रिएट करने वाले आइटम क्या क्या हैं,
ठीक है, इसके बाद इनको ध्यान दीजिएगा कि इसमें से हमारे तरफ से पेंडिंग है कि बैंक के तरफ से, मतलब इसमें अगली एक्शन हम लेंगे या बैंक। तो आपको अभी मैंने जो चार कैटेगरी ऑफ आइटम बोला था, अगर मैं वापस लेके जाऊं आपको उसमें, ये देखिए ये चार में पहला वाला बैंक ने रिकॉर्ड कर लिया है, इसका मतलब पासबुक में ऑलरेडी है, तो अब वो किसके तरफ से पेंडिंग है, हमारी तरफ से पेंडिंग है कैशबुक की तरफ से। या आइटम नंबर थ्री देखिए, एरर कमिटेड बाय अस, तो हमने गलती की है, इसका मतलब वो किसकी तरफ से पेंडिंग है, हमारी तरफ से, हमने गलती की है तो नेचुरल है हम ही सुधारेंगे। तो ये जो आइटम वन और थ्री हमने बोला ये हमारी तरफ से पेंडिंग है, जब तक ऐसे आइटम आपके बैंक रिकंसिलेशन में दिख रहे हैं तब तक उसमें जो कैशबुक बैलेंस दिख रहा है वो फाइनल नहीं है, वो करेक्ट नहीं है। तो बैंक रिकंसिलेशन बनाने से हमको ऐसे आइटम पता चल जाते हैं, फिर हम क्या करेंगे, इनको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे, तो हमारी बुक्स कंप्लीट हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। ये बैंक रिकंसिलेशन का अल्टीमेट पर्पज है या रोल है। तो इसका मतलब आपके रिकंसिलेशन में अगर 1, 2, 3, 4 ये चारों टाइप के आइटम दिख रहे हैं तो वो फाइनल बैंक रिकंसिलेशन नहीं है, हम उसको बोल सकते हैं कि वो रफ बैंक रिकंसिलेशन है। एक बार हमको ये पता चल गया कि हमारे तरफ से क्या क्या आइटम पेंडिंग है, फिर हम उनको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लेंगे। तो अब हमारे रिकंसिलेशन में अल्टीमेटली क्या बचेगा, अब बचेंगे आइटम 2 और 4 जो बैंक की तरफ से पेंडिंग है, इसका मतलब इस पे अगली एक्शन कौन लेने वाला है, बैंक, क्योंकि बैंक अभी या तो जैसे आइटम 2 है वो बैंक ने रिकॉर्ड नहीं किया है, आइटम 4 यानी बैंक ने गलती किया है, तो इसका मतलब ये आइटम आपके बैंक रिकंसिलेशन में अल्टीमेटली बच जाएंगे। तो आपके बैंक रिकंसिलेशन में अगर सिर्फ बैंक के तरफ से पेंडिंग आइटम दिख रहे हैं तब हम बोलेंगे फाइनल बैंक रिकंसिलेशन है। तो आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, पहले रफ रिकंसिलेशन बना के सब आइटम पता कर लो, फिर जो अपनी तरफ से पेंडिंग है उनको अकाउंट कर लो, इसका मतलब अल्टीमेटली फाइनल बैंक रिकंसिलेशन बनाओ जिसमें सिर्फ बैंक के तरफ से पेंडिंग आइटम दिखना चाहिए। ये हमारे बैंक रिकंसिलेशन का अल्टीमेट यूज है। बैंक पासबुक या बैंक स्टेटमेंट बताया, इट इज अवर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ बैंक जिसकी कॉपी बैंक हमको देता है। फॉर्मेट ऑफ पासबुक या बैंक स्टेटमेंट, तो जनरली आपने जो अकाउंट बनाते हो वो ट्रेडिशनली आप एक टी पैटर्न में बनाते रहते हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। तो अकाउंट बनाने के दो पैटर्न है, एक टी पैटर्न और दूसरा वर्टिकल पैटर्न। वर्टिकल पैटर्न में आप ऐसे बनाओगे अकाउंट डेबिट क्रेडिट बैलेंस। तो पासबुक कॉमन भी जो सेकंड तरीका है इससे आपको बनी हुई मिलती है, बाकी कोई फर्क नहीं, अकाउंटिंग वो भी है। ये देखिए डेबिट आपके एंगल से आप बोलोगे तो जब आप बैंक से विदड्रॉ करते हो बैंक बोलता है आप रिसीवर आपका अकाउंट डेबिट करता है, जब आप बैंक में डिपॉजिट करते हो तो बैंक आपको रिसीवर बोलता है इसलिए आपका अकाउंट क्रेडिट करता है, तो डेबिट क्रेडिट से बैलेंस आते रहता है। तो ये बैंक अकाउंट बोलिए या ऐसे ही अकाउंट आपकी अपनी बुक्स में बना सकते हो। तो अकाउंट बनाने के दो पैटर्न है, जहां आपको बार बार बैलेंस की जरूरत पड़े ये सेकेंड वाला पैटर्न आपके लिए ज्यादा कन्वीनियंट है, यूजफुल है। और आपको अगर लगता है कि हमको बार बार बैलेंस की जरूरत नहीं है, पीरियोडिकल बैलेंस की जरूरत है, तो फर्स्ट पैटर्न या टी पैटर्न आपके लिए कन्वीनियंट है। कैशबुक एंड बैंक अकाउंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, बोला कि कैशबुक का बैंक कॉलम जो है वो बैंक अकाउंट का काम करता है, या लेजर में जो बैंक अकाउंट आपने बनाया होगा वो। तो कैशबुक के बैंक रिकंसिलेशन के कॉन्टेक्स्ट में जब भी वो आपसे बोलता है कैशबुक बैलेंस, तो इसका मतलब वो कैशबुक के बैंक कॉलम के बैलेंस की बात कर रहा है, कैशबुक के कैश कॉलम का बैलेंस बैंक रिकंसिलेशन पर्पस के लिए कोई काम का नहीं है। प्रेजेंटेशन ऑफ बैंक रिकंसिलेशन एडलेस पैटर्न वर्सेज डेबिट क्रेडिट पैटर्न, कॉमनली हर जगह आपको एडलेस के फॉर्म में दिखेगा। अब होता क्या है, देखिए एडलेस में आप उसको याद करते रहते हो, मेरा बहुत स्ट्रांग ओपिनियन है कि
कि अकाउंटेंसी की लैंग्वेज डेबिट क्रेडिट है, इसलिए हर जगह डेबिट क्रेडिट का यूज करना चाहिए। तो आपको हमने क्लास में पढ़ा है कि बैंक रिकंसिलिएशन आप डेबिट क्रेडिट से बनाइए, और अभी भी समझाया था उस तरीके से आप बैंक रिकंसिलिएशन बनाइए डेबिट क्रेडिट से। डेबिट क्रेडिट के बैंक रिकंसिलिएशन को आप कभी भी एड लेस में कन्वर्ट कर सकते हो सेकेंड्स में। कैसे, आपको अच्छे से मालूम है कि डेबिट डेबिट ऐड होता है, तो अगर आपका स्टार्टिंग बैलेंस डेबिट है तो जितने डेबिट हुए वो ऐड, जितने क्रेडिट हुए वो लेस, कन्वर्ट हो गया एड लेस में। अगर आपका स्टार्टिंग बैलेंस क्रेडिट है तो जितने क्रेडिट हुए वो ऐड, जितने डेबिट हुए वो लेस। इस तरीके से आप अपने डेबिट क्रेडिट के रिकंसिलिएशन को एड लेस में बड़ी आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो। डेबिट क्रेडिट का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप अपनी अकाउंटिंग की लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं कि भाई मैंने कैशबुक में डेबिट किया था पर पासबुक में नहीं आया, इसलिए मैं उसका रिवर्स इफेक्ट यानी क्रेडिट ले रहा हूं, या पासबुक में रिकॉर्ड हो गया मैंने अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया था इसलिए मैं अपनी कैशबुक में उसको रिकॉर्ड करने का इफेक्ट ले रहा हूं, डेबिट हो क्रेडिट हो। तो इससे आप अपनी अकाउंटिंग की लैंग्वेज को और यूज करते हो, इससे आपकी अकाउंटिंग की ग्रीप और बढ़ती है। आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपने अपनी कैशबुक में बैंक अकाउंट डेबिट क्रेडिट किया था, वही नॉलेज आपको बैंक रिकंसिलिएशन बनाने में काम आ रहा है। फिर आप उसमें से ये भी समझते हो कि इसमें से ये आइटम हमारी तरफ से पेंडिंग है तो इसको हमको हमारी बुक्स में रेक्टिफाई करना है, यानी करेक्टेड कैशबुक बनाना है, उसके लिए भी आपकी अकाउंटिंग काम में आती है। तो एड लेस से मैं तो हमेशा बोलूंगा डेबिट क्रेडिट इज एनी टाइम प्रेफरेबल बेटर। हर अकाउंटेंसी की हर चीज आपने डेबिट क्रेडिट से बनना चाहिए। फाइनल अकाउंट आप पढ़ो, एडजस्टमेंट जो पढ़ते हैं लोग एडजस्टमेंट की लिस्ट बना के याद रखते हैं कि ये एडजस्टमेंट में इधर ऐड करना इधर लेस करना, दीज आर ऑल द वेज जो स्टूडेंट को अल्टीमेट नुकसान करते हैं क्योंकि उसकी सब्जेक्ट की आइडिया बिल्कुल क्लियर नहीं होती है। और उसके लिए हर चैप्टर अपने आप में नया होता है, जबकि हम बोलते हैं हर चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड है क्योंकि जो बेसिक अकाउंटिंग है वो सेम होती है। प्रोसीजर फॉर प्रिपेयरिंग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, अगर मैं पूरी बात करूं तो कैशबुक को पासबुक से एक एक आइटम कंपेयर किया जाता है, तभी हमको पता चलता है कि कौन से आइटम कैशबुक में रिकॉर्डेड है पर पासबुक में नहीं, कौन से पासबुक में रिकॉर्डेड है पर कैशबुक में नहीं है, या कैशबुक में कहां गलती हो गई या पासबुक में कहां गलती हो गई। ये आइटम्स एग्जाम में बोलिए या आपकी पढ़ाई में आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिए रहते हैं, रियल लाइफ में जो पर्सन रिकंसिलिएशन करता है ये आइटम को खुद कंपेयर करके निकालता है, आइडेंटिफाई करता है, यहां पे आपको दिए रहते हैं। फिर आप क्या करते हैं, इनको सिर्फ ट्रीटमेंट देते हो एक स्टेटमेंट में जो मैंने ऑलरेडी बताया कि कैसे देने का। इंटरप्रिटेशन वाइल प्रिपेयरिंग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, अगर कोई सेंटेंस आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा है जैसे लिखा बैंक चार्जेस और कुछ नहीं लिखा, तो हम बोलेंगे कोई भी आइटम जिसकी तरफ से इनिशिएट होता है उसने रिकॉर्ड किया है पर दूसरे वाली पार्टी ने रिकॉर्ड नहीं किया है, क्योंकि बैंक रिकंसिलिएशन में वही आइटम आते हैं जो एक की बुक्स में है पर दूसरी बुक्स में नहीं है। जो दोनों ने बराबर रिकॉर्ड कर लिया होगा वो बैंक रिकंसिलिएशन के इनिंग केस काम के है ना, तो इसलिए इंटरप्रिटेशन करते समय हम बोलेंगे कि बैंक रिकंसिलिएशन के लिए अगर कोई आइटम दिया है मतलब ये एक की बुक्स में है दूसरे की बुक्स में नहीं है, तो किसकी बुक्स में है, तो हम बोलेंगे जिसके तरफ से शुरुआत होती है उसने रिकॉर्ड कर लिया, जिसके तरफ वो दोबारा या सेकंड पॉइंट पे आता है उसने रिकॉर्ड नहीं किया, लिखा चेक डिपॉजिटेड आगे कुछ नहीं लिखा, तो हम चेक डिपॉजिट करते हैं जिसका मतलब हम बोलेंगे हमारी बुक्स में यानी कैश बुक में रिकॉर्ड हो गया है पासबुक में अभी रिकॉर्ड नहीं हुआ है। ऐसे आपको बताया था कि रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में ट्रीटमेंट देते समय वो आइटम दोनों जगह आ गया या तो ऐसा ट्रीटमेंट हो या दोनों जगह से हट गया ऐसा ट्रीटमेंट। आप इनको चारों आइटम को अपने एंगल से इंटरप्रीट कर सकते हो, चारों आइटम को बैंक के एंगल से इंटरप्रीट कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो आइटम 1-3 जो हमारी तरफ से पेंडिंग है उनको अपने एंगल से इंटरप्रीट करो, आइटम 2 और 4 जो बैंक की तरफ से पेंडिंग है उनको बैंक की तरफ एंगल से इंटरप्रीट करो। आई विल से यू कैन प्रिफर दिस
का, या फिर आप अपने एंगल से इंटरप्रिट करना प्रेफर कर सकते हो, बिकॉज वो आपको शायद समझने में मदद करे। बराबर, यू कैन आइदर गो बाय द थर्ड ऑल्टरनेटिव और यू कैन गो बाय द फर्स्ट ऑल्टरनेटिव। आइटम्स इंटरप्रिटेड फॉर ट्रीटमेंट इन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ पार्टी कस्टमर ऑफ बैंक फ्रॉम हूज साइड इट इज पेंडिंग। अब यहां पे ये किया है कि किसके तरफ से पेंडिंग, यानी जो मैंने थर्ड ऑल्टरनेटिव बताया उसके एंगल से सोचा गया है, बैंक रिकंसिलिएशन बनाते समय आप कैसे उनको ट्रीटमेंट देंगे। यहां पे हम हमारी तरफ से जो पेंडिंग है उसको हम अपने एंगल से बात कर रहे हैं, बैंक की तरफ से पेंडिंग है उसको बैंक के एंगल से। तो देखिये पहला आइटम जो है रिकॉर्डेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड बाय कस्टमर, है ना, रिकॉर्ड बाय बैंक नॉट रिकॉर्ड बाय अस, ये हमारी तरफ से पेंडिंग है कस्टमर के। तो ट्रीटमेंट कैसा देना, एज इफ द आइटम इज बीन एंटर्ड बाय कस्टमर एंड हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ऐसा सोच के एंट्री कर दो, लिख दो। अगर डिपॉजिट है तो डेबिट कर दो, पेमेंट है तो क्रेडिट कर दो। रिकॉर्ड बाय कस्टमर नॉट रिकॉर्ड बाय बैंक, अब ये बैंक की तरफ से पेंडिंग है तो आप बैंक के एंगल से सोचो कि एज इफ आइटम इज बीन एंटर्ड बाय बैंक। अब डिपॉजिट होगा तो बैंक क्रेडिट करेगा, विड्रॉल होगा पेमेंट होगा तो बैंक डेबिट करेगा, ऐसा ट्रीटमेंट हो। एरर कमिटेड बाय कस्टमर तो कस्टमर सुधारेगा, तो आप रेक्टिफाई कर रहे ऐसा सोच के इफेक्ट दो। आपने डेबिट कम किया होगा तो और डेबिट करने के लिए रिकंसिलिएशन के डेबिट में लिखो, अगर आपने डेबिट ज्यादा किया होगा तो कम करने के लिए क्रेडिट में लिखो। इस तरीके से एरर कमिटेड बाय बैंक तो बैंक की गलती बैंक सुधारे, तो ऐसा सोच के लिखो कि बैंक गलती सुधार रहा, बैंक ने अगर डेबिट ज्यादा किया तो कम करने के लिए क्रेडिट, डेबिट कम किया तो उसको बढ़ाने के लिए और डेबिट। इस तरीके से आप सोच के बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में लिख सकते हैं। ट्रीटमेंट इन बैंक रिकंसिलिएशन फॉर एन आइटम विल बी ऑलवेज सेम इन विच एवर वे वी इंटरप्रीट, तो आप पूरे आइटम को अपने एंगल से सोचो, पूरे आइटम को बैंक के एंगल से सोचो, या जो अभी बताया ऐसा करो, पर आपका ट्रीटमेंट हमेशा सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं। It will come same. The two balances will tally if either an item is correctly recorded in both the books or is nil at both the places. Keep this in mind while deciding effect to be given in bank reconciliation statement. So if it is recorded in cash book, give effect of recording in passbook also, or effect of reversing in cash book. Like this, treat other items also. Bank balance in balance sheet that is corrected, adjusted or final bank balance. मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया आपको कि आपके तरफ से जो आइटम पेंडिंग है उसको आप अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लो, तो उसके बाद जो आपका बैलेंस यानी कैश बुक का बैलेंस आएगा दैट इज करेक्टेड बैलेंस फाइनल बैलेंस, ये आपकी बैंक रिकंसिलिएशन के पूरी बात हो गई, है ना। तो आप ड्रेस लेके बराबर पढ़ाई करिए। अब हम इस पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को, सो वी विल टेक नाउ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो पिछले कुछ लेटेस्ट एग्जाम्स में पूछे गए, है ना। इन क्वेश्चन को ठीक से हम पढ़ेंगे और फिर उनको सॉल्व करेंगे। एक बात हमेशा ध्यान में रखिए कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करते समय उनको ठीक से पढ़ना, पूरी चॉइसेस को बहुत इम्पोर्टेंट है। हो सकता मैं यहाँ पे थोड़ा टाइम बचाने के लिए हर बार पूरी तरह से नहीं बोलूंगा, तो आपका काम होता है कि आपको ये सब क्वेश्चन सेट दिए रहते हैं, आप इनको पहले से पढ़िए, ठीक है। डिटेल में पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। जहां कुछ कैलकुलेशन वाली बात होगी वहां पर अपन कैलकुलेशन भी करके देखेंगे, लिख करके देखेंगे। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या होता है, द डेबिट बैलेंस इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक इंडिकेट्स, कैश बुक में डेबिट बैलेंस एंड डिपॉजिट बैलेंस विद बैंक, तो कैश एट बैंक बैलेंस इन बैंक, ये करेक्ट आंसर उसका। विच अकाउंट्स आर यूज टू प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, तो बैंक कॉलम एंड बैंक स्टेटमेंट इनको अपन रिकंसाइल करते हैं, टैली करते हैं। कैश कॉलम को बैंक अकाउंट के साथ या पासबुक के साथ टैली करने का कोई सवाल भी उठता नहीं, ठीक है। तो ये आपका बी नंबर उसका करेक्ट आंसर है। थर्ड, 27th March 14, 4 checks of 16,000
14,023 were deposited in bank, out of which checks for 16,000 only was collected up to 31st March. ये 16,000 वाला चेक दोनों की बुक्स में रिकॉर्ड हो चुका है, इसलिए ये रिकंसिलिएशन के काम का नहीं है. Two checks of 23,000 and 32,000 were collected on 4th April. Another check was not signed properly and was returned. इसका मतलब बाकी के तीनों चेक अभी तक पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुए हैं. रीजन कैन बी एनीथिंग, उसमें से एक वो बोल रहा है बाद में रिटर्न, दैट इज ऑल. हमारे लिए अभी कट ऑफ डेट है कि 31st मार्च का हम बैलेंस टैली कर रहे हैं. अब 31st मार्च के पहले हमारी बुक्स में ये चेक आ चुके हैं, 14,000 वाला, 32,000 वाला या 23,000 हमारे बुक्स में आ गए पर पासबुक में नहीं आएगी. ठीक है, ये समझ लो मैंने ऊपर कैजुअल बोला, नीचे पासबुक. पासबुक में इसमें से दो आइटम बाद की डेट में आ गए हैं, 23 और 32. एक डिसऑनर हो गया है, पर हमको तो अभी ये देखना है 31st मार्च के पहले क्या हुआ. 31st मार्च के पहले ये तीनों आइटम हमारी बुक्स में है पर पासबुक में नहीं है, इसलिए रिकंसिलिएशन ये तीनों आइटम आपके आएंगे. ये जो ऑर्डर आइटम्स टू टेकन इन द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. ठीक है, अब अगर मुझे करेक्टेड बैलेंस निकालना होगा तब मैं ये जो चेक डिसऑनर हो गया है उसको अपनी बुक्स में रिवर्स करूंगा. समझ रहे, ये जो चेक 14,000 वाला है वो डिसऑनर हो गया है, तो अगर मुझे करेक्टेड बैलेंस निकालना होगा तब मैं ये 14,000 की एंट्री, रिवर्स एंट्री अपनी बुक्स में पास करूंगा. ठीक है, तो मिला होगा तो आपने बोला होगा बैंक डेबिट टू कस्टमर, अब रिवर्स करो कस्टमर डेबिट टू कैशबुक. फोर कैशबुक ऑर्डर ऑफ बैलेंस टू थाउजेंड, इट वॉज फाउंड दैट द चेक्स ऑफ 100, 150, 175 विच आर इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड टिल द डेट एंड द चेक्स ऑफ 600 डिपॉजिटेड बट हैव नॉट बीन क्लियर्ड दैन ओडी बैलेंस एज पर पासबुक इज. तो आपको ऐसा क्वेश्चन जब भी आया कि कैशबुक का बैलेंस दिया पासबुक का पूछ रहा, पासबुक का दिया कैशबुक का पूछ रहा, तो सिंपल सी चीज है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना लो, ये आपका डेबिट और क्रेडिट पैटर्न है. कैशबुक का बैलेंस ओवरड्राफ्ट बोल रहा है, मतलब क्रेडिट बैलेंस है ना. और फिर इन आइटम को ट्रीटमेंट दो, इट वॉज फाउंड दैट चेक्स ऑफ 100, 150, 175 तीनों को अपन टोटल कर लेते हैं. ठीक है, तो तीनों को टोटल कर लेंगे तो कितना हो गया 425. ये 425 के चेक्स वेयर इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड टिल द डेट, हमने इश्यू किया मतलब हमने ऑलरेडी बैंक को क्रेडिट कर दिया, पासबुक में अभी तक वो नहीं आए, तो हम अपने क्रेडिट को रिवर्स कर देते टैली करने के लिए. ये 425 डेबिट कर चेक इश्यूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. फिर बोलता है कि एंड द चेक ऑफ 600 डिपॉजिटेड बट हैव नॉट बीन क्लियर, तो 600 के हमने डिपॉजिट की एंट्री ली मतलब हमने बैंक को डेबिट किया, पासबुक में अभी तक नहीं आया. दोनों को बराबर करने के लिए या तो पासबुक में रिकॉर्ड हो रहा है ऐसा सोचो, तो पासबुक में डिपॉजिट रिकॉर्ड होगा यानी क्रेडिट करेंगे, या हम अपने डिपॉजिट को रिवर्स कर रहे ऐसा सोचो तो भी क्रेडिट होगा, ये 600 क्रेडिट में आएगा. अब इसको आप बैलेंस कर लो, तो इसको आप बैलेंस करोगे तो आपको पासबुक का बैलेंस पता चलेगा 2,600 - 425, 2,175. और ये पासबुक के लिए डेबिट बैलेंस है ओवरड्राफ्ट, तो पासबुक का ओवरड्राफ्ट कितना है 2,175. बैंक बैलेंस ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, ये पासबुक का ओडी बैलेंस है, कैलकुलेट बैलेंस एज पर कैशबुक. उसी तरीके से आप आगे बढ़िए, अब ये पासबुक का ओडी हमारे लिए ओडी क्रेडिट है, लायबिलिटी है, बैंक के लिए तो वो एसेट है, डेबिट है, डेबिट बैलेंस में किया. अब वो बोलता है कि चेक डिपॉजिटेड 4,700 बट नॉट कलेक्टेड, तो हमने डिपॉजिट के समय बैंक को डेबिट किया था, अब हम उसका रिवर्स इफेक्ट यहां दिखा रहे हैं क्रेडिट. चेक इश्यूड फॉर 11,000 बट नॉट प्रेजेंटेड, हमने चेक इश्यू किए थे मतलब क्रेडिट किए थे, बैंक में अभी तक नहीं आया इसलिए हम उसका डेबिट इफेक्ट ले रहे हैं. ठीक है,
bill discounted and dishonored ₹4,000, bank paid noting charges ₹200. आपने पढ़ा हुआ है discounted bill अगर dishonored हुआ तो bank आपके account से निकाल देता है पूरा पैसा. तो इसका मतलब bank ने 4,200 का payment record कर लिया, हमने अभी तक record नहीं किया. तो हम payment record कर रहे हैं, payment के समय हम bank account को credit करते हैं. ये हो गए पूरे item. अब आप इसको balance करोगे, ये आपको cash book का balance बता गया. तो 26,500 प्लस 11,000 माइनस 4,700 माइनस 4,200 28,600 का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है. तो कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस बोला मतलब वो होता. ठीक है, अगे आंसर 6. द क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक ऑफ एक्स वो 65,000. पासबुक का बैलेंस ठीक है, क्रेडिट चेक इश्यू बट नॉट पेड. सो और वो अगेन वही चीज है, क्वेश्चन वैसा ही है. ये पासबुक का बैलेंस है, क्रेडिट 65,000. पासबुक का क्रेडिट बोला है, डिपॉजिट बैलेंस है ना. चेक इश्यूड बट नॉट पेड 75,800. चेक इश्यूड तो इसका मतलब हमने ऑलरेडी बैंक को क्रेडिट किया था, बैंक में अभी तक आया नहीं है, तो हम उसका रिवर्स इफेक्ट लिखते हैं 75,800. चेक डिपॉजिटेड बाय वन ऑफ द कस्टमर ऑफ द बैंक बट रॉन्गली क्रेडिटेड इन एक्स अकाउंट 20,600. क्या हो रहा, चेक डिपॉजिट बाय वन ऑफ द कस्टमर ऑफ द बैंक, बैंक का कोई कस्टमर का डिपॉजिट है बट रॉन्गली क्रेडिटेड इन एक्स अकाउंट, बैंक ने गलती से 20,600 हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर दिया. तो रॉन्ग क्रेडिट को रेक्टिफाई करने के लिए अपन बोलेंगे डेबिट कर 20,600 है ना. अब देखिए बैलेंस, कैश बुक का बैलेंस आएगा. ये डेबिट की फिगर ज्यादा है तो मैं इधर का टोटल करता हूं 96,400 उसमें से 65-1 31,400. कैश बुक के हिसाब से क्रेडिट बैलेंस आना यानी ओवरड्राफ्ट है. ठीक है, ये हमारे हिसाब से ओडी यानी ये करेक्ट आंसर है उसमें. द क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक इज 15,000. उसी पैटर्न के क्वेश्चन है, रिकंसिलिएशन बनाओ. एक बैलेंस दिया है, दूसरा बैलेंस वो आपसे पूछ रहा है. अब यहाँ पे कैश बुक का बैलेंस दे रहा है, क्रेडिट बोल रहा है, तो इसका मतलब कैश बुक के हिसाब से ओवरड्राफ्ट है 15,000. अब वो क्या दे रहा है देखिए, चेक अमाउंटिंग टू 2,750 वेयर डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड. डिपॉजिट में आपने डेबिट किया था, बैंक में अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ, इसलिए आप उसका रिवर्स इफेक्ट क्रेडिट ले लो. चेक्स ऑफ 4,000 वेयर इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. चेक आपने इश्यू किए थे मतलब क्रेडिट किया था, बैंक में अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ, आप उसका रिवर्स इफेक्ट यानी डेबिट ले लीजिए. ए डिविडेंड ऑफ 250 वॉज कलेक्टेड. ये बैंक ने डायरेक्टली कलेक्ट कर लिया यानी डिपॉजिट है जिसको हमने अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया, तो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं. ऐसा करो डिपॉजिट में आप बैंक को डेबिट करते हो. एंड ए प्रीमियम ऑफ 1,500 वॉज पेड बाय बैंक अंडरस्टैंड इंस्ट्रक्शन. ये पेमेंट है जो आपने अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया, तो पेमेंट में अपन बैंक को करते हैं क्रेडिट. ये बैंक को हमने कर दिया, अब इसको हम बैलेंस करेंगे. तो आपने कैश बुक से शुरुआत की तो आप पासबुक तक पहुंच जाएंगे 15,000 प्लस 2,750 प्लस 1,500 माइनस 4,250 15,000. 15,000 का पासबुक का डेबिट बैलेंस बोला यानी पासबुक के हिसाब से भी ओवरड्राफ्ट है. ये आगे देखिए करेगा, ऑन 31 मार्च 2013 बैलेंस ऑफ द कैश बुक इज सो मच. और उसका बैलेंस ऑफ द बैंक स्टेटमेंट इज सो मच, दोनों का बैलेंस. ऑन स्क्रूटिंग इट वॉज फाउंड दैट इट वॉज ड्यू टू चेक्स इशू बट नॉट येट प्रेजेंटेड. तो आपसे पूछ रहा है कि बैंक बैलेंस फ्रॉम 31 मार्च 2013 टू बी शोन इन बैलेंस शीट. तो वो क्या बोल रहा है, ऑन स्क्रूटिंग इट वॉज फाउंड दैट इट वॉज ड्यू टू चेक इशू बट नॉट येट प्रेजेंटेड. चेक इशू मतलब हमने रिकॉर्ड कर लिया,
बैंक में अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ, इसका मतलब वो बैंक की तरफ से पेंडिंग है, यानी हमारा ये जो कैशबुक का बैलेंस है ये करेंट बैलेंस है, फाइनल बैलेंस है, इसमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज ई बैलेंस शीट में दिखेगा, क्योंकि जो रिकन्सिलेशन वाला आइटम है हमारी तरफ से पेंडिंग नहीं है। बैंक रिकन्सिलेशन इज अ पार्ट ऑफ बैंक अकाउंट या कैश बुक या फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बैंक रिकन्सिलेशन सिर्फ एक वर्किंग है ना, जिसकी मदद से आप कैश बुक और पासबुक के बैलेंस को टैली करते हो, बाकी ये बैंक अकाउंट का हिस्सा नहीं है। सिमिलरली ये कैश बुक का भी हिस्सा नहीं है, सिमिलरली आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जिसमें आप बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट, उसका हिस्सा नहीं है। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बैंक के थ्रू बहुत वैल्यू के ट्रांजेक्शन होते हैं, इसलिए बैंक अकाउंट का प्रॉपर व्यू टैली करना, उसमें के एरर्स को गलतियों को आइडेंटिफाई करके सुधारना, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है और बैंक रिकन्सिलेशन बनाने से ये अब काम हो जाता है। 10. द कैश बुक शोड ए क्रेडिट बैलेंस ऑफ 9,000 बट द पासबुक मेड अप टू द सेम डेट रिवील्ड दैट ए चेक ऑफ 2,000 हैड नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट एंड ए चेक पेड टू समवन, वही आपसे अगेन बैलेंस निकालने के लिए बोल रहा है। कैश बुक शोड ए क्रेडिट बैलेंस, ये कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस एंड ओवरड्राफ्ट। फिर आगे आइटम क्या दे रहा, ए चेक ऑफ 2,000 हैड नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, तो अपन ने चेक इश्यू किए हैं, यानी अपन ने क्रेडिट किया था, बैंक में अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ, तो रिवर्स इफेक्ट ले रहे हैं। एंड ए चेक ऑफ 3,000 पेड इन टू अकाउंट एंड डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, तो डिपॉजिट में हमने उसको डेबिट किया था, बैंक में वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ, तो उसका रिवर्स इफेक्ट ले रहे हैं। फिर ये पासबुक का बैलेंस 10,000 और पासबुक का डेबिट एंड ओवरड्राफ्ट है। इलेवन, दी बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक ऑन 31st December इज 8560। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फाइंड आउट द बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, सेम टाइप के क्वेश्चन हैं। आपको दो तीन आइटम देता है और आपको एक तरह का बैंक रिकन्सिलेशन बनाने की जरूरत है। तो कैश बुक का बैलेंस अब उसने क्लैरिफाई नहीं किया, पर लिखा है बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक से, डिपॉजिट है कि वो ये नहीं लिखा, तो हम नॉर्मल बैलेंस रेगुलर बैलेंस मान के चलेंगे 8560 डिपॉजिट है। अभी आइटम दे रहा है कि ऑन 18th December द डेबिट बैलेंस ऑफ 1700 वॉज रिकॉर्डेड एज क्रेडिट बैलेंस इन कैश बुक, ये कैश बुक की गलती है, ठीक है, डेबिट था, आपने डेबिट में लिया नहीं, इसका मतलब उसको सुधारने के लिए पहले मैं 1700 डेबिट में ले लेता हूँ, ठीक है, फिर आपने उसको गलती से क्रेडिट में ले लिया, तो इसका मतलब गलत क्रेडिट को कैंसिल करने के लिए और डेबिट करूंगा, इसका मतलब 3400 से आपको डेबिट करना है उसको। ए चेक ऑफ हैंड इशू वॉज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक, अगेन ये हमारी गलती है, हमने चेक इशू तो दो बार, चेक इशू है पेमेंट है क्रेडिट है, तो गलती से दो बार लिख लिया, तो उसमें से एक बार को हम कैंसिल करेंगे। ए चेक ऑफ 250 इशू वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, ये हमने रिकॉर्ड नहीं किया है, तो रिकॉर्ड कर तो चेक इशू लेने पेमेंट है। ए डिविडेंड कलेक्टेड रूपीज 250 एंड सब्सक्रिप्शन पेड 100 बाय बैंक वे आर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ये 250 रूपये का डिपॉजिट है जो हमने एंटर नहीं किया, और ये 100 रूपये का पेमेंट है जो हमने एंटर नहीं किया था, तो अभी रिकॉर्ड कर लिया। कितने आइटम दिया, तो देखिए इस वजह से आपका बैलेंस आ रहा है। ट्वेल्व थ्री सिक्सटी पासबुक का क्रेडिट बैलेंस है, डिपॉजिट बैलेंस है ये। ट्वेल्थ, वेन ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक इज गिवन रॉन्ग डेबिट इन पासबुक विल बी, अभी आपसे फिगर नहीं दे रहा पर एड लेस पूछ रहा है, तो किसी को लगेगा अब हमारा डेबिट क्रेडिट कैसे काम में आएगा, हमारा डेबिट क्रेडिट हर जगह का, यहां पर भी देखिए आप वापस वैसे ही करिए जैसे आप
रिकंसिलेशन अभी तक कर रहे थे, उसने बोला मैंने ओवर ड्राफ्ट एज पर कैश बुक, ये कैश बुक का इज गिवन रॉन्ग डेबिट इन पासबुक। अब ये आपसे वैन एंड ओवर ड्राफ्ट एज पर कैश बुक इज गिवन, यहां से कौन सा गलता बराबर होगा कि वैन एंड ओवर ड्राफ्ट एज पर कैश बुक, तो कैश बुक का ओडी बैलेंस अगर अपन ने बोला यानी क्रेडिट बैलेंस है, ये समझ में आ गया। रॉन्ग डेबिट इन पासबुक, तो आपने पासबुक में अगर गलती से डेबिट किया है तो बट नेचर है गलत डेबिट को रेक्टिफाई करने के लिए क्रेडिट करोगे, ये रॉन्ग डेबिट इन पासबुक को मैं रेक्टिफाई करने के लिए क्रेडिट कर रहा हूँ। तो आप देखिए क्रेडिट में क्रेडिट करोगे तो बट नेचर है वो क्या होने वाला है ऐड, ये आपका जो एडेड इन बैंक रिकंसिलेशन, क्योंकि क्रेडिट में क्रेडिट हो रहा इसलिए ऐड हो रहा। तो इस तरीके से आप एडलेस में जवाब कभी भी दे सकते हो, डेबिट क्रेडिट बनाओ पर एड्रेस में जवाब दो। 13 बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक 13,500 फिर चेक डिपॉजिट एक्सेट्रा एक्सेट्रा ऑर्डर फ्रॉम बैंक स्टेटमेंट, अगेन चीज वही करना है आपको। बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक का ओडी बैलेंस, इसका मतलब क्रेडिट बैलेंस 13,500, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक है, तो डिपॉजिट में आपने डेबिट किया था अभी उसका रिवर्स इफेक्ट क्रेडिट किया। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, आपने क्रेडिट किया था अभी उसका डेबिट इफेक्ट करो रिवर्स करो, तो अब इसका जो बैलेंस आएगा वो पासबुक का बैलेंस है, तो देख लीजिए 10,500 आ रहा है ना, और पासबुक का डेबिट बोला है पासबुक के हिसाब से भी ओवरड्राफ्ट है। 14 बैंक रिकंसिलेशन इज अ पार्ट ऑफ, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ कि ये किसी का पार्ट नहीं है बट एक वर्किंग है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है कैश बुक और पासबुक को कैरी करने के लिए, कैश बुक के बैलेंस और पासबुक के बैलेंस को कैरी करने के लिए। 15 ए क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक पासबुक विल बी डैश टू द अकाउंट होल्डर, क्रेडिट बैलेंस है ना हमारे लिए क्या ओवरड्राफ्ट है लायबिलिटी, तो क्या बोल रहा है देखिए क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक पासबुक, हमारा क्रेडिट बैलेंस हमारे लिए लायबिलिटी रहता है, पर क्रेडिट बैलेंस इन द पासबुक बोला तो बैंक के लिए लायबिलिटी है यानी हमारे लिए डिपॉजिट है हमारे लिए एसेट है। इसलिए कभी भी ध्यान देना कि अगर उसने बैंक के एंगल से कोई बात लिखी है तो उसको अपने एंगल से पढ़ के देख लेने का, सो दैट गड़बड़ी नहीं हो। ये पासबुक के लिए क्रेडिट बैलेंस यानी बैंक के लिए लायबिलिटी, हमारे लिए एसेट है। 16 ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक, और फिर आपसे वही है पासबुक का बैलेंस निकालने के लिए बोला है, काम वही करना है रिकंसिलेशन वाला, कि ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक, कैश बुक का ओडी 4,500 क्रेडिट बैलेंस। अब वो क्या बोला चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड, अब ये चेक इशूड है आपने क्रेडिट किया है तो अब इसको रिवर्स इफेक्ट यानी डेबिट ले लो आप, टोटल कर लिया 825। चेक पेड इन टू बैंक अकाउंट बट नॉट क्लियर, यानी डिपॉजिट है आपने डेबिट किया था अभी तक पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ तो रिवर्स इफेक्ट है, हो गया इतनी आइटम दिया 4,500 प्लस 1,200 माइनस 825 4,875 ये पासबुक का डेबिट यानी ओवरड्राफ्ट बैलेंस आ गया। 17 में ओडी बैलेंस असर पासबुक इज सो मच, उसी टाइप के आइटम है कुछ नया बात नहीं है, फिर भी मैंने आपको इतने प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाते जा रहा हूँ। तो पासबुक का कहीं कैजबुक का बैलेंस दिखा रहे हैं पासबुक का ओडी बैलेंस असर पासबुक, तो बैंक के हिसाब से ओडी यानी एसेट है डेबिट बैलेंस है, ठीक है ये बराबर समझ के लिखना आना चाहिए। चेक 100, 150 आर इशू यानी 250 पर बैंक में रिकॉर्ड नहीं हुए, चेक इशू यानी हमने क्रेडिट किया था तो रिवर्स इफेक्ट करने से हम डेबिट कर देंगे। चेक ऑफ 600 डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट येट क्लियर, तो डिपॉजिट को आपने डेबिट किया था अब रिवर्स इफेक्ट ले लो क्रेडिट कर दो।
ये आपका कैश बुक का बैलेंस दे रही है 2 lakh 7,150 rupees, 8 lakh 150 rupees are issued, but not yet presented for payment. The payment is not in bank, it's not clear. Find out the whole balance as per. So, look here. 2,175 plus 250 minus 600, you have to come. यहाँ क्वेश्चन में तो आंसर एक भी नहीं दिया है, यानी इसमें कुछ तो भी प्रिंटिंग एरर है, या तो कोई आइटम मिस हो गया है या कोई फिगर पर्टिकुलरली मिस हो गया है, क्योंकि 1825 आ रहा है। जैसे आपने पहले भी क्वेश्चन देखा था, यहाँ पे हो सकता है एक आधा आइटम और हो, क्योंकि 175 का अगर एक आइटम और होगा तब ये बराबर होगा। तो ये क्वेश्चन में यहाँ प्रिंटिंग में कुछ तो भी एरर दिख रही है, तो 1825 यहाँ आंसर नहीं। तो अगर मैं ये 175 इसमें बढ़ाता हूँ तब ये बराबर 2000 होता है, तो ये गिवन आंसर से टैली होगा। और कुछ नहीं है उसमें, कुछ समथिंग मिसिंग इन दिस प्रिंटिंग। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज यूज टू शो द डिफरेंसेस बिटवीन द बैलेंसेस ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक एंड पासबुक। कैश कॉलम से कोई लेना देना बैंक रिकंसिलिएशन का नहीं है। 19 डेबिट बैलेंसेस पर कैश बुक ऑफ एक्स लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च इज सो मच, अगेन बैलेंस कोई काम है, रिकंसिलिएशन ही बनाना है आपको। डेबिट बैलेंसेस पर कैश बुक यानी डिपॉजिट बैलेंस कितना है 2000, रिकंसिलिएशन का आइटम हो रहा है इट चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर 100, चेक डिपॉजिट में आपने डेबिट किया था उसका रिवर्स इफेक्ट है क्रेडिट पर। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 150, चेक इशूड आपने क्रेडिट किया था अभी तक बैंक में नहीं आया रिवर्स इफेक्ट ले लो। द बैंक अलाउड इंटरेस्ट अमाउंटिंग 200, बैंक अलाउड इंटरेस्ट अमाउंटिंग 200, तो आपको इंटरेस्ट मिला है तो आपने अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया, अभी रिकॉर्ड कर लो क्रेडिट कर लो। एंड कलेक्टेड डिविडेंड 50 ऑन बिहार सॉरी में बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया, आपने अभी तक अकाउंट नहीं किया था, डेबिट करोगे क्योंकि आपको इंटरेस्ट मिला है, आप रिकॉर्ड करोगे तो आप बैंक को करोगे डेबिट, इंटरेस्ट को करोगे क्रेडिट। एंड कलेक्टेड डिविडेंड ₹50 ऑन बिहार ऑफ एक्स लिमिटेड, यानी हमारा डिविडेंड का पैसा बैंक ने आपका कलेक्ट करके हमारे अकाउंट में डिपॉजिट किया है, ये भी डिपॉजिट है जो हमने अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया। ठीक है, ये हो गया आइटम। अब ये आप देखिए बैलेंस करिए, ये आपका हो गया 2200, ये करेक्ट आंसर, पासबुक का बैलेंस 2200। क्लियर? तो इस तरीके से आपका बैंक रिकंसिलिएशन के किसी भी टाइप के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को आप क्लियर कर सकते हो, टैकल कर सकते हो अगर आप उसको समझते हो तो। डेबिट क्रेडिट से बना करके भी हम एड लेस में जवाब दे सकते हैं, जैसे ये हमारा स्टार्टिंग बैलेंस डेबिट है तो इसका मतलब ये आइटम एड हो रहे हैं और ये जो आइटम है ये उसमें से क्या हो रहा है सब्सट्रैक्ट। इस तरीके से कभी भी आप जवाब दे सकते हो किसी भी रिकंसिलिएशन, जैसे यहां भी डेबिट था तो ये डेबिट वाले आइटम एड हो रहे हैं, ये क्रेडिट वाला आइटम लेस हो रहा है। यहां जैसे स्टार्टिंग बैलेंस ये क्रेडिट है तो हम बोलेंगे क्रेडिट वाले आइटम ऐड हो रहे हैं और ये डेबिट वाला आइटम लेस हो रहा है। इस तरीके से कभी भी आप डेबिट क्रेडिट से ही एड लेस का जवाब भी दे सकते हो। ठीक है।